करनाल के निसिंग के नगर पालिका में पार्षद पुनीत कौर द्वारा अपने समर्थकों के साथ करनाल के लघु सचिवालय पहुंचकर पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया गया है। उन्होंने एसडीएम को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुनीत कौर ने कहा कि वह किसान परिवार से हैं और किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ती रहती है। इसी कड़ी में जो किसान सरहद पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में आज जिला प्रशासन को अपना इस्तीफा सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि संत बाबा राम सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने पर उन्हें बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि संत बाबा राम सिंह महाराज किसान आंदोलन के चलते आत्महत्या कर शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते इस्तीफे का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में पुनीत कौर द्वारा भी अपने पद से इस्तीफा देकर किसान आंदोलन में कूदने का ऐलान कर दिया गया है और किसानों को पूरा समर्थन देने की बात कही है। इस अवसर पर पुनीत कौर द्वारा जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम को अपना इस्तीफा सौंपा गया है। बताते चले कि इस मौके पर उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद रहे। कौर हूँ, पार्षद पुनीत कौर, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। और मेरे इस इस्तीफे का जो मकसद है वो किसान भाइयों के समर्थन में है, जिस प्रोटेस्ट के लिए वो इतने दिनों से कड़कती ठंड में बैठे हुए हैं उनके समर्थन के लिए है। और इस चीज़ का उत्साह मुझे तब मिला जब हमारे बाबा जी संत बाबा राम सिंह जी सिंगड़ा करनाल वाले, उन्होंने किसानों के समर्थन के लिए अपनी देह समर्पित कर दी, अपनी शहादत उन्होंने पा ली। तो फिर ये पद मैं उसी उसमें उनके चरणों में श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से सरकार तक कैसे भी आवाज़ पहुँच सके और वो किसानों की जो पुकार है वो सुन सके। क्या ऐसे इस्तीफे देने से कुछ फर्क पड़ेगा इनके सरकार पे? फर्क पड़े ना पड़े, पर हम इसे नहीं, बहुत से लोग मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि वो इस देश के पिता हैं, इस देश के राजा हैं, वो अपने बच्चों की पुकार सुने और उसे पूरा। आप किसी पार्टी से भी संबंध रखते हैं सड़कों पर, लेकिन उसके बाद भी सरकार का अड़ियल रवैया है, सरकार मानने को तैयार नहीं है और किसान अपनी जिद पर अड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार मानना नहीं चाहती, क्या पता उन्हें नई पॉलिसीज रिन्यू करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। अगर वहाँ किसान इतने दिनों से ठंड में बैठे हैं, भूखे प्यासे भी बैठे हैं, तो उनके मन में यही है कि कभी ना कभी सुना जाएगा। तो हम भी यही एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सरकार जो भी करेगी किसानों के फेवर में ही डिक्लेयर। किसी पार्टी से? जी नहीं, मैं आजाद पार्टी से थी। तो आगे इसी तरह से किसानों के समर्थन में रहेंगे? जी बिल्कुल, ये मैंने कहा है, हम किसानों के समर्थन में खड़े हैं, खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। हरियाणा के लोगों को आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के लोग जिस तरह से पंजाब फार्मर्स को उन्होंने सपोर्ट किया, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, सब भाई भाई मिलकर कर रहे हैं। किसानों की बात में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात रह ही नहीं गई, इसमें तो सब एकता की बात है। किसान एक एक रूप होकर के वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है और उनकी पुकार जरूर सुनी जाए। बाबा जी ने जब शहादत दी तो किसानों का दुख